हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कंफर्ट ट्रिक। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रियलमी C21 Y के अंदर अगर आपको अपने फ़ोन के अंदर अपने एप्लीकेशन हाइड करने हैं तो उन्हें कैसे हाइड करें। कई बार आपको जरूरत है जब आप अपना नया डिवाइस खरीदते हैं तो उसमें आपको कुछ एप्लीकेशन अपने हाइड करने हैं तो उन्हें कैसे करें या छुपा कर रखने होंगे तो कैसे करेंगे, इसी वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो में बहुत सिंपल सिंपल स्टेप रहने वाले हैं जिन्हें फॉलो करके आप अपने फ़ोन के अंदर अपने एप्लीकेशन को छुपा सकते हैं। तो चलिए आज वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपने अगर हमारे चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल कर ले सब्सक्राइब। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको वीडियो नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। तो आपको अपने एप्लीकेशन हाइड करने के लिए सबसे पहले जाना होता है सेटिंग में। तो यहाँ से हम जाते हैं सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ से आपको स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है। यहाँ आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है प्राइवेसी, सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें आपको नॉर्मल नीचे आ जाना है स्क्रॉल करके। तो यहाँ आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है ऐप लॉक, ऐप लॉक पर क्लिक करेंगे। ऐप लॉक पर क्लिक करने के बाद यहाँ से पूछ रहा है एंटर प्राइवेसी पासवर्ड। अगर आप यहाँ पहली बार जा रहे हैं तो यहाँ से आप अपने हिसाब से अपना पासवर्ड सेट कर सकते हैं, लेकिन हम पहले भी अपनी एप्लीकेशन हाइड कर चुके हैं तो हम जाने द्वारा, तो आपने जो अपना पुराना पासवर्ड डाला था सिंपली यहाँ से हम अपना पासवर्ड एंटर कर देते हैं। पासवर्ड एंटर करने के बाद आपके सामने आपकी एप्लीकेशन की लिस्ट ओपन हो जाती है। इनमें से जो एप्लीकेशन आपको हाइड करने हैं उन्हें आप हाइड करा सकते हैं। तो चलिए यहाँ से हम आपको बता देते हैं कुछ एप्लीकेशन हाइड करनी है हमें। जैसे हम अपना इंस्टाग्राम हाइड करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर क्लिक करेंगे, ऐप लॉक वाला फीचर इनेबल करेंगे। उसके नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है हाइड फ्रॉम होम स्क्रीन, इसे आप यहाँ से इनेबल करेंगे। जैसे आप इनेबल करेंगे तो यहाँ से मांगेगा सेट एक्सेस कोड, एक्सेस कोड पे क्लिक कर देना है। तो सिंपली आप 4 अंकों का कोई भी एक्सेस कोड सेलेक्ट कर लेंगे जो यहाँ से हम एंटर कर देते हैं हैज। ये 4 अंकों का कोड है हमारा जो आपके, जिससे आप अपने एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकते हैं, जो हैज से थ्रू होगा और हैज से ही एंड होगा। ओके, इसे हमने कर दिया डन। यहाँ आपको लिखा आ रहा है योर एक्सेस कोड ये है, डोंट फॉरगेट इट। 5 सेकंड बाद आपको ऑप्शन मिल जाता है डन करने के लिए, जो कि हम इसे डन कर देते हैं। उसके बाद ये हमारा ना तो रिसेंट SMS होगा ना ही तो इसकी कोई नोटिफिकेशन मिलेगी आपके लिए। और एप्लीकेशन ले लेते हैं हम, जैसे हम आपको कोई भी और हाइड करना हो, जैसे यहाँ से, तो यहाँ से आप देख लेते हैं यहाँ से हम और कुछ हाइड करना है। जैसे यहाँ से हम ले लेते हैं अपना एक स्नैपचैट, जो हमें स्नैपचैट हाइड करना है। स्नैपचैट पर जाएंगे, इसे इनेबल कर देंगे, हाइड फ्रॉम होम स्क्रीन इसे भी इनेबल कर देंगे। तो यहाँ से हमने ये दो एप्लीकेशन ले ली हैं आपको सजेस्ट करने के लिए। तो चलिए अब हम यहाँ से बैक चलते हैं और आपको चेक करा देते हैं हमने जो एप्लीकेशन अपने हाइड किए हैं वो हमारे हाइड हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो यहाँ से हम बैक आ जाते हैं और आपकी जो होम स्क्रीन है उस पर आपको इंस्टाग्राम और आपके स्नैपचैट आपको कहीं भी देखने के लिए नहीं मिलेंगे। यहाँ से आप देख सकते हैं इसमें आपको कहीं भी देखने के लिए नहीं मिलते हैं आपके ऐप्स मेनू में। तो अगर आपको ये एप्लीकेशन अपने यूज़ करने या एक्सेस करेंगे तो आप कैसे करेंगे, तो इसके लिए आपको अपना डायलर ओपन कर लेना है और जो आपने कोड डाला था डायलर में जाकर वो कोड अपना एंटर कर देना है। डायलर ओपन करेंगे हम, यहाँ से डाल देंगे हैज़ 4955 हैज। जैसे आप अपना कोड एंटर करेंगे आपके एप्लीकेशन ओपन हो जाते हैं। तो यहाँ से आप इन्हें यूज करा सकते हैं जो भी आपने इन्हें यूज करने, अगर आपको फ्यूचर में कभी अनहाइड करने हैं तो कैसे करेंगे। तो इन्हें अनहाइड करने के लिए आपको चलना होता है सेटिंग में। यहाँ से हम सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद आपको जाना है प्राइवेसी में। प्राइवेसी में जाने के बाद आपको ऐप लॉक पर चले जाना है। ऐप लॉक पर जाने के बाद अपना पैटर्न एंटर कर देना है। पैटर्न एंटर करने के बाद आपको राइट साइड में ऑप्शन मिल जाता है शो लॉग्ड ओनली, इस पर क्लिक कर लेना है। यहाँ आपके दोनों एप्लीकेशन शो हो जाते हैं। तो सिंपली आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ ऐप लॉक वाला फीचर है इसे आप ऑफ करा देंगे। यहाँ से हम बैक आ जाते हैं, इस पर भी क्लिक करेंगे इसे भी आप ऑफ करा देंगे। अब यहाँ से हमारे दोनों एप्लीकेशन हो चुके हैं अनहाइड, जो कि आपके ऐप्स मेनू में देखने के लिए मिल जाते हैं। तो चलिए यहाँ से हम आपको वापस आ जाते हैं और चेक करा देते हैं। जैसे आप देख सकते हैं हमारे यहाँ होम स्क्रीन पर आ गए, इंस्टाग्राम और स्नैपचैट दोनों एप्लीकेशन आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाते हैं। तो इस प्रकार से आप अपने फ़ोन के अंदर अपने एप्लीकेशन को हाइड और अनहाइड करा सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ना भूलें ताकि आपको अगली वीडियो नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड